जैसे हमारे यहां नवरात्रि का फेस्टिवल होता है या दीपावली का फेस्टिवल होता है, वैसा उनका एक बड़ा महत्वपूर्ण फेस्टिवल होता है हेनुका। तो मैंने इजराइल के प्रधानमंत्री को सोशल मीडिया के द्वारा ट्विटर पर हिब्रू भाषा में हेनुका की बधाई दी। 3-4 घंटे के भीतर भीतर इजराइल के प्रधानमंत्री ने इसको एक्नॉलेज किया और जवाब दिया, और मेरे लिए खुशी की बात थी कि मैंने हिब्रू भाषा में लिखा था, उन्होंने हिंदी भाषा में धन्यवाद का जवाब दिया। इन दिनों दुनिया के जिन भी देशों से मुझे मिलने का होता है, वो एक बात अवश्य बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। उनकी टूटी फूटी भाषा, उनकी उच्चार करने का तरीका कुछ भी हो, लेकिन सबका साथ सबका विकास। ओबामा मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे, पुतिन मिलेंगे तो वो भी बोलेंगे, कोशिश करते हैं। हम अगर हमारी बातों को लेकर के जाते हैं तो दुनिया इसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। जो टेक्नोलॉजी का जानकार है उनका कहना है कि आने वाले दिनों में डिजिटल वर्ल्ड में 3 भाषाओं का दबदबा रहने वाला है, अंग्रेजी, चाइनीज, हिंदी। और जो भी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं उन सबका दायित्व बनता है कि हम भारतीय भाषाओं को भी और हिंदी भाषा को भी टेक्नोलॉजी के लिए किस प्रकार से परिवर्तित करें। आज का ये हिंदी महाकुंभ भारतीय भाषाओं का महत्व है, और हमारे लिए हर मातृभाषा का अपरंपार महामूल्य है, क्योंकि हर एक के पास खजाना है। क्या हिंदी भाषा जो उनके निकट होने के कारण इन सबको अपने साथ जोड़े, अपने पास लाए, उससे सीखे, उसके समझे और समृद्धि की दिशा में बढ़कर के उसको और ताकतवर बना करके हम दुनिया के पास ले जाएं, तो बहुत बड़ी सेवा होगी।